आज के इस वीडियो में बताएंगे कि बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के द्वारा जो रजिस्ट्रेशन कार्ड यानी कि डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड जारी किया गया है, उसको आप किस तरह ऑनलाइन आप चेक कर पाएंगे आपका सही है या गलत है। बिना स्कूल जाए आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। अगर उस डमी रजिस्ट्रेशन में किसी भी तरह का त्रुटि है तो आप उसको करेक्शन कर सकते हैं। करेक्शन करने के लिए आपको अपने कॉलेज जाना होगा। तो आप ऑनलाइन जांच सकते हैं कि आपका जो डिटेल वो सही है या गलत है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दो लिंक दिया है, एक इंटर का, ये इंटर की वेबसाइट है और ये मैट्रिक की। जो भी क्लास के आप है तो वो आप उसके हिसाब से यहाँ पे लिंक को क्लिक करेंगे, लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये इंटर वाले हैं और ये मैट्रिक वाले, जिसका भी आप चेक करना चाहिए दोनों का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। ये इंटर वाले यहाँ पे सबसे पहले कॉलेज का नाम आपको सेलेक्ट करना होगा। यहाँ पे पूरे बिहार के जितने भी कॉलेज है जो इंटर की पढ़ाई दे रहे हैं तो उस सारे की लिस्ट यहाँ पे मिल जाएंगे। अगर उसकी लिस्ट आपको यहाँ से सर्च कर सकते, नहीं तो अगर कॉलेज कोड आपको मालूम है तो आप यहाँ पे कॉलेज कोड डाल सकते हैं या कॉलेज का नाम भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ आपको पूछ रहा है किस विषय से वो अप्लाई किया था एडमिशन, साइंस या आर्ट जिससे भी किया, तो वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद यहाँ स्टूडेंट का फुल नेम आपको देना होगा। स्टूडेंट का फुल नेम देने के बाद स्टूडेंट का फादर का जो फुल नेम है वो आपको यहाँ पे देना होगा। फादर की फुल नेम देने के बाद यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करना होगा कैलेंडर से। कैलेंडर भी क्लिक करेंगे सबसे पहले यहाँ पे आपको ईयर सेलेक्ट कर लेना होगा। उसके बाद यहाँ पे आपको मंथ सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद यहाँ पे डे आपको सेलेक्ट करना होगा। सारा चीज सेलेक्ट करने के बाद यहाँ व्यू बटन भी क्लिक करेंगे। जैसे आप व्यू बटन में क्लिक करेंगे यहाँ पे देखिए एक रिजल्ट यहाँ पे शो कर रहा है, तो यहाँ पे टिक मार का लगा देंगे यहाँ इस तरह। उसके बाद यहाँ पे डाउनलोड रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे। तो जैसे ही डाउनलोड रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कुछ इस तरह का इसका जो रजिस्ट्रेशन है वो डमी रजिस्ट्रेशन यहाँ पे देख सकते हैं। डमी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट यहाँ पे उनका नाम, मदर नेम, फादर नेम, उस तरह यहाँ पूरी जानकारी उनके लिए, यहाँ पे सब्जेक्ट कौन सा सब्जेक्ट उन्होंने रखा था, ये सारा चीज़ आप यहाँ से देख सकते हैं। ये इंटर का हो गया, ये सही है तो ठीक है। और यहाँ मैट्रिक के लिए आप मैट्रिक पाएंगे, स्कूल कोड, स्टूडेंट नेम, डेट ऑफ बर्थ देके सर्च करेंगे, वहाँ से आप कर सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करेंगे ये छोटा सा वीडियो आपको पसंद आए। वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा।